हेलो हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि गीजर के कनेक्शन कैसे होते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट है और ये हमारा थर्मोस्टेट है, ठीक है। और ये हमारा टेस्टर हो गया, ये प्लास हो गया, और ये टेस्ट लैंप हो गया, कंटिन्यूटर टेस्टर हो गया, ये पावर प्लग हो गया, और ये पावर प्लग के वायर हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा थर्मोस्टेट है, ओके। तो इसकी हम ये वायर हम यहाँ पे एक लगाएंगे, इसमें एक ही हो गई इस जगह पे, ठीक है। ये लगाएंगे यहाँ पे और इसको टाइट कर देंगे। देखेंगे दोस्तों, ये टाइट हो चुका है और अब इसको हम ये इसमें टाइट करेंगे एलिमेंट में, एक एलिमेंट में, ठीक है। ये यहाँ टाइट हो जाएगी, ये टाइट हो चुकी है आपकी यहाँ पे। और ये हो गई आपकी मेन गीजर की पावर, रेड रेड और ब्लैक। ये रेड है तो रेड हमारी लगेगी ये ऑटोकट में, इस जगह पे लगाएंगे हम इसको रेड। अभी लगाता हूँ मैं, देखेंगे दोस्तों। जैसा कि ये लग चुकी है यहाँ पे, एक मेन यहाँ पे लग चुकी है और ये एक इसकी एलिमेंट की है, ये यहाँ पे लग जाएगी एक इसमें। और ब्लैक वाली हमारी वायर इसके एलिमेंट के दूसरे पोल में लग जाएगी इस जगह पे, ये रेड की हो गई। और ये देखेंगे इस तरीके से आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं। और ये ध्यान दीजिए, ये कभी भी एलिमेंट सूखा नहीं रहना चाहिए, पानी के अंदर ही रहना चाहिए। सूखा चलाएंगे तो एलिमेंट ये ख़राब हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। और ये थर्मोस्टेट लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर इसके बिना भी आप चलाओगे तो गीजर ब्लास्ट कर जाएगा और आपको चोट लग जाएगी, इसलिए ये थर्मोस्टेट लगाना ज़रूरी है, इसके बिना नहीं चल सकता। और दोस्तों, अब मैं सिखाता हूँ आपको गीजर का एलिमेंट चेक कैसे करते हैं कि ये सही है गलत है ख़राब है। चलो ये तो हो गया, इसके बाद हम टेस्ट करते हैं गीजर का एलिमेंट सही और ख़राब का। तो ये दो एलिमेंट हैं मेरे पास पुराने, तो इन दोनों में से मैं बताऊंगा आपको सही कौन सा और ख़राब कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, ये एक इसमें डालेंगे हम इसको ऐसे करके और एक इसको ऐसे करेंगे। ये देखेंगे यहाँ पे कोई नहीं बता रहा, तो इसका मतलब ये ख़राब है, ठीक है। अब हम ये वाला टेस्ट करेंगे दूसरा, इसको टेस्ट करेंगे हम और बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में कि ये ख़राब है या सही है। इसमें थोड़ा कार्बन सा लगा हुआ है इस चक्कर में, ये देखो, ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा एलिमेंट सही है
और देखेंगे, थोड़ा रिकॉर्डिंग के चक्कर में सही ढंग से चेकिंग नहीं हो पा रही मेरे से। एक मिनट, मैं किधर लगाइए, इधर लगा कर अब देखेंगे, मैं टेस्ट करता हूँ इसको। ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये एलिमेंट सही है। और आपको इसकी ये बॉडी में भी चेक करना है इसकी, अगर बॉडी में ख़राबी इसमें जल चालू है तो इसका मतलब ये शॉर्ट है, ये यूज़वल नहीं रहेगा। अभी ये यूज़वल है, वैसे इसका इसको मैंने चेंज किया था, इसकी ये इसकी बॉडी टूट गई थी, ये कवर जो ये होता ना, ये कवर टूट गया था इसका, इस चक्कर मैंने निकाल दिया था, ये कवर टूटा हुआ है। और ये वैसे सही है, ये एलिमेंट देखेंगे, ये वर्क कर रहा था यहाँ पे, ये देखेंगे ये वर्क कर रहा है ये। और ठीक है फ्रेंड, और आपको जानकारी देता हूँ, वो ऑटो कट, ये ऑटो कट है दोस्तों, इसको आप इसकी 60 डिग्री तक ही इसको रखिए, ना कि ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी इसकी। तो ये ऑटो कट है, इसको 65 डिग्री तक सही रहता है, वैसे सही पानी मिलेगा आपको। और इसके बिना आप कभी भी गीजर को स्टार्ट करने की कोशिश ना करें, और बस यही है। मैं ऐसा करता हूँ, मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो, ओके, थैंक्स दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।